हेलो व्हाट्सअप गाइस एंड वेलकम बैक टू द माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन सर्वाइवल सीरीज। आई नो कि गाइस मैंने ये माइनक्राफ्ट सर्वाइवल सीरीज का 7 महीने पहले इसका वीडियो अपलोड किया था। वापस से गाइस मैं यहाँ पे अभी कंटिन्यू करने वाला हूँ अपनी माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन की सर्वाइवल सीरीज को। आज मैं वापस से यहाँ पे खेलने वाला हूँ और आज हम यहाँ पे करने वाले हैं डायमंड माइनिंग। लेकिन गाइस उससे पहले यहाँ पे मैं कुछ पुरानी यादें आपको ताज़ा करवा देता हूँ। ये है हमारा सबसे पहला प्यारा सा वुडन हाउस, सर्वाइवल हाउस। सबसे पहले यहाँ पे छोटा सा टूर देता हूँ। ये हमारा छोटा सा हाउस जिसमें यहाँ पे कुछ चेस्ट रखी हुई है जिसमें कुछ सामान पड़ा हुआ है। हमारा सेकंड फ्लोर जिसमें भी मैंने चेस्ट एंड क्राफ्टिंग टेबल लगाया हुआ है, यहाँ से कुछ सामान रखा हुआ है चेस्ट में। तो गाइस अभी यहाँ पे चलते हैं हमारे थर्ड फ्लोर पर। तो ये हमारा तीसरा फ्लोर, ये मैंने यहाँ पे बनाया है विलेजर्स के लिए। यहाँ पे चलते हैं हमारे टॉप फ्लोर पर। अभी हम यहाँ पे आ चुके हैं हमारे टॉप फ्लोर यानी कि टेरेस पर। यहाँ पे आप नीचे देखिए, ये हमारा फार्मिंग एरिया। गाइस हमारे घर के पीछे की तरफ बिल्कुल यहाँ पे एक बड़ा वाला विलेज भी है। यहाँ पे काफ़ी बड़ा ओशन भी है। और उसके अलावा गाइस मैंने यहाँ पे बनाया था लास्ट वाले वीडियो में, अगर आपने देखा होगा तो। ये है हमारा आयरन फार्म, अल्टीमेट आयरन फार्म। ऐसे तो गाइस मैंने यहाँ पे बता दिया कि आज मैं यहाँ पे करने वाला हूँ डायमंड माइनिंग। लेकिन गाइस उससे पहले मैं यहाँ पे आज विलेजेस, हमारे पास जितने भी विलेजेस हैं सभी को मैं यहाँ पे जॉब्स देने वाला हूँ। तो फटाफट से मेरे पास यहाँ पे जितने भी वर्क बेंच है और यहाँ पे जितने भी बेड्स है वो सबको मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट से। तो गाइस मैंने अभी के लिए तो मेरे पास जितने भी बेड्स एंड वर्क टेबल थे वो मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर ली है अपनी इन्वेंटरी में। मैंने यहाँ पे जितने भी बेड एंड वर्क टेबल यहाँ पे कलेक्ट किए वो सबको मैं यहाँ पे इस रूम में रखवा देता हूँ फटाफट से। मेरे पास यहाँ पे जितने बेड्स एंड वर्क टेबल थे वो सारे मैंने यहाँ पे रखवा दिए हैं। यहाँ पे शाम होता है यहाँ पे सारे विलेज यहाँ पे रहने के लिए आ जाएंगे। वैसे भी यहाँ पे काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है, तो एक काम करते हैं फटाफट से चलते हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर पर, वहाँ पर जाकर सोने का ट्राई करते हैं। अगर ये बारिश रुक जाती है तो हम जाने वाले हैं यहाँ पे नेक्स्ट डे हमारे आयरन फार्म पर, क्योंकि वहाँ से हमें आयरन काफ़ी सारा लाना पड़ेगा। तो अभी हम यहाँ पे सो नहीं पा रहे, तो एक काम करते हैं चलते हैं डायरेक्ट हमारे आयरन फार्म पर। जो लोग भी मेरे पहले दिन से वीडियो देख रहे हो उनको पता होगा मैंने पहले ही दिन यहाँ पे आयरन का आर्मर बना लिया था। वैसे भी अभी तो यहाँ पे हमारी खाने की भी दिक्कत है, तो यहाँ पे खाना तो नहीं मिला, लेकिन मुझे यहाँ से 6 आयरन इंगट मिल चुके हैं। तो एक काम करते हैं इस आयरन का यूज़ करके हम यहाँ पे सबसे पहले तो एक स्वॉर्ड बना लेते हैं अपनी आयरन की। जितना भी सामान मेरे पास यहाँ पे पड़ा हुआ है एक्स्ट्रा वो सब कुछ मैं यहाँ पे चेस्ट में रखवा देता हूँ। जितना भी सामान था वो तो मैंने यहाँ पे रखवा दिया चेस्ट में, और मैं अभी यहाँ पे बना लिया एक आयरन का स्वॉर्ड। सारा काम तो यहाँ पे हो चुका, तो अभी यहाँ पे चलते हैं हमारे आयरन फार्म के पास। वैसे भी गाइस मुझे नहीं पता कि हमारा आयरन फार्म काम कर भी रहा है कि नहीं, क्योंकि वैसे भी मैंने गाइस यहाँ पे ये गेम 4 महीने के बाद ही मैं खेल रहा हूँ। फटाफट से मैं मिलता हूँ आपको यहाँ पे आयरन फार्म के पास। लेकिन ये प्लेयर इतना कम क्यों चल रहा है? वो कहते यहाँ पे फूड ख़त्म हो चुका है। तो फटाफट से मैं यहाँ पे अपनी हेल्थ फूड को फुल कर लेता हूँ। ऑल राइट गाइस, तो ये हमारा अल्टीमेट आयरन फार्म और ये अभी भी यहाँ पे काम कर ही रहा है। अभी यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ से मैंने यहाँ पे 2 स्टेक यहाँ पे आयरन के ले लिए हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेक आयरन के ले लिए आयरन इंगट्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि इतने तो काफ़ी होंगे हमारे आयरन आर्मर एंड आयरन टूल्स बनाने के लिए। मैं भी फटाफट से गाइस मिलता हूँ आपको हमारे घर पर। अपने घर पर तो गाइस मैं यहाँ पे आ चुका हूँ और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है। वैसे तो गाइस काफ़ी अंधेरा हो चुका है, लेकिन एक काम करते हैं सोने से पहले यहाँ पे हमारा जो आयरन आर्मर एंड आयरन टूल्स है उससे भी बना लेते हैं, ताकि कल सुबह होते हम फटाफट से निकल जाएंगे हमारे काम पर। आयरन हेलमेट, आयरन चेस्ट प्लेट, आयरन लेगीज एंड आयरन बूट्स को मैंने बना लिया। अभी यहाँ पे मुझे आयरन शील्ड की भी ज़रूरत पड़ेगी। इसके साथ मैंने यहाँ पे आयरन शील्ड को भी मैंने यहाँ पे क्राफ्ट कर लिया है। बस अभी के लिए मेरे पास यहाँ पे फुल आयरन का आर्मर हो चुका है विथ शील्ड। तो सबसे पहले तो यहाँ पे फटाफट से मैं सारी चीज़ों को पहन लेता हूँ। यहाँ पे हमारा सिर्फ एक ही काम बचा, हमें अभी ये बनाने हैं यहाँ पे आयरन के टूल्स। तो फटाफट से मैं गाइस उनको भी बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पे ज़रूरी इक्विपमेंट को यहाँ पे क्राफ्ट कर लिया है। तभी मेरे पास यहाँ पे वुड एक्स्ट्रा पड़ा वो भी मैंने यहाँ पे चेस्ट में रखवा देता हूँ। एक काम था वो मैंने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। मैंने यहाँ पे एक स्मिथिंग टेबल को भी क्राफ्ट किया था। तो चलते हैं यहाँ पे विलेजर्स हॉल पे और यहाँ पे मैं लगाने वाला हूँ स्मिथिंग टेबल। स्मिथिंग टेबल को भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। अभी यहाँ पे एक काम करते, क्योंकि अभी मैं जाने वाला हूँ यहाँ से माइनिंग करने के लिए, तो मुझे यहाँ पे काफ़ी सारी टॉर्चेस चाहिए होगी। वैसे कॉल तो मैंने यहाँ पर से 33 ले लिया है। अभी मुझे यहाँ पे स्टिक चाहिए होगी। स्टिक मुझे यहाँ पे ऊपर वाले चेस्ट में से मिल जाएगी। मुझे तो यहाँ से स्टिक भी काफ़ी सारी मिल चुकी है। यहाँ पे फटाफट से मैं यहाँ पे पूरा एक स्लॉट यहाँ पे बनाने वाला हूँ टॉर्चेस का। काफ़ी सारे टॉर्चेस मैंने यहाँ पे बना ली। अभी यहाँ पे एक काम करते, वैसे भी काफ़ी अंधेरा हो चुका है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे सो जाते हैं किसी भी बेड पर। गुड मॉर्निंग गाइस, तो अभी यहाँ पे नेक्स्ट डे हो चुका है। तो फटाफट से गाइस अभी जाने वाला हूँ मैं यहाँ पे माइनिंग करने के लिए। अभी गाइस मैंने यहाँ पे सारे इक्विपमेंट आयरन की जितने भी मुझे चाहिए होगी चीज़ें वो सारी मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर ली है। जल्दी से भी कोई बात नहीं है, खाने में काम ही आ जाएगा। अभी यहाँ पे चलते हैं, यहाँ पे किसी एक तरफ मुझे जाना पड़ा। अभी ये क्या है, जोम्बी, छोटा जोम्बी, ये सबसे खतरनाक है साला बंदा। अच्छा था कि ये धूप में जल गया इसलिए जल्दी से मर गया, वरना ये मुझे ख़त्म कर देता। जब मैं यहाँ पे पहले घूमने आया था तब मैंने यहाँ पे एक छोटा सा यहाँ पे केव देखी थी। मैं अभी उसी केव को यहाँ पे ढूंढ रहा हूँ, क्योंकि मैं उसी में ही खुदाई करने वाला हूँ।
अगर मैं अपने घर के आसपास ही रहूंगा तो काफ़ी अच्छा होगा। ये रही वो केव। इसे अंधेरा तो काफ़ी है लेकिन मेरे पास यहाँ पे काफ़ी सारी टॉर्चिस है। अभी यहाँ पे टॉर्चिस को लगा कर देखते हैं कि ये कितना गहरा है। वैसे ये केव तो काफ़ी बड़ी लग रही है। अबे ये उजाला कहाँ से आ रहा है? ये तो शुरू होते ही ख़त्म हो गया भाई। ठीक है ऐसे कोई बात नहीं, अभी मैं एक काम करता हूँ। यहाँ पे दोनों के बीच में यहाँ पे आई थिंक मुझे काम करना चाहिए। यहीं पे खुदाई करना चाहिए मुझे। अभी मैं यहाँ पे काफ़ी डीप जाने वाला हूँ यहीं से ही। ठीक है मैं काफ़ी डीप में आ चुका हूँ इस केव के अंदर। मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ, एक छोटा सा यहाँ पे 4x4 का एक रूम बनाने वाला हूँ ताकि मैं यहाँ पे कुछ भी चेस वेस रख पाऊँगा। तो फटाफट से मैं यहाँ पे छोटा सा एरिया बना लेता हूँ बिल्कुल क्लीन। ऑल राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा एरिया बना दिया अभी यहाँ पे रहने के लिए। यहाँ पे चारों तरफ से यहाँ पे डिगिंग करने वाला हूँ, आई मीन माइनिंग करने वाला हूँ। तो जितने भी डायमंड्स मिलते हैं वो फटाफट से मैं यहाँ पे कलेक्ट कर लेता हूँ जो भी कुछ मिलता है। ठीक है मैं जब से यहाँ पे आया हूँ तब से मैं काफ़ी जगह से मैंने ढूंढा डांडी की लेकिन अभी तक ओके यहाँ पे अभी एक डायमंड मुझे मिल चुका है। अभी यहाँ पे देखते सामने भी एक डायमंड मुझे मिल चुका है। अभी गाइस मुझे नहीं पता कि मैंने यहाँ पे कितने डायमंड्स ढूंढ पाया हूँ। अभी यहाँ पे देख जब मैं यहाँ पे पूरे उसके आसपास जब खोदूंगा तभी पता चलेगा। मुझे 2 मिले थे और यहाँ से मुझे 1, 2, 3 टोटल मुझे यहाँ से टोटल 5 डायमंड्स मिल चुके हैं। डायमंड्स के अलावा भी मुझे यहाँ से काफ़ी सारे गोल्ड के नगेट्स, उसके अलावा रेडस्टोन एंड काफ़ी सारे लेपिस लाजुली भी मुझे यहाँ से मिल चुके थे। मुझे यहाँ से जितने भी ओर्स मिले वो सारे मैंने यहाँ से फटाफट से कलेक्ट कर लिए। जो भी रिसोर्सेज जो भी आइटम्स मुझे यहाँ पे मिले वो मेरे इन्वेंटरी में आप यहाँ पे देख सकते हैं। 5 डायमंड, 34 लेपिस लाजुली, 17 मेरे पास यहाँ पे रेडस्टोन, 6 गोल्ड एंड 3 आयरन के ओर्स मुझे मिले थे यहाँ से। फिर मैंने माइनिंग किया लेकिन मुझे डायमंड मिल ही नहीं रहे थे। गाइस मैंने सोचा कि अभी यहाँ पे जाकर एक एंचेंटेड डायमंड पिकेक्स बना लेता हूँ मैं। अगर मैं उससे किसी भी चीज़ को तोड़ूंगा तो वो मुझे ज़्यादा मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। ऑलराइट गाइस मैं अभी यहाँ से केव के बाहर आ चुका हूँ लेकिन जब मैंने यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कुछ अलग ही था। पर जो ट्री है वो ग्रे कलर का, जो उसका लीफ है वो ग्रे कलर के हो चुके थे। जब मैं यहाँ से माइनिंग करने के लिए नीचे गया था ये सारे येलो कलर के थे। यहाँ पे जो मैंने रिसोर्सेज यूज़ किया उसमें कुछ ग्लिच आ चुका है। तो गाइस अभी मैं इस रिसोर्सेज को भी मुझे हटाना पड़ेगा, सब तो मैं कर लूँगा लेकिन गाइस अभी मैं मिलता हूँ आपको अपने घर पर। मैं अपने घर पर तो आ चुका, तो जितने भी मुझे रिसोर्सेज जो भी आइटम्स मुझे मिले हैं वो मैं फटाफट से यहाँ पे अपनी चेस्ट में रखवा देता हूँ जितने भी जो भी मुझे मिला है। तो जो भी सामान था वो मैंने सब रखवा दिया है और काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है। आपको गाइस मॉर्निंग पर गुड मॉर्निंग गाइस। तो मैंने सारा सामान तो लास्ट नाइट रखवा दिया था गाइस। अभी मैं यहाँ पे लाइब्रेरियन को यहाँ लाने वाला, उसके लिए मुझे यहाँ पे चाहिए होगा एक्टर टेबल की मदद से मैं यहाँ पे लाइब्रेरियन को यहाँ पे ला सकता हूँ, आई मीन उसे जॉब दे सकता हूँ। बुक सेल्फ को बनाने के लिए मुझे चाहिए होगा यहाँ पे कुछ बुक एंड कुछ लेदर्स। यहाँ पे डायमंड ले लिया है कुछ, पता नहीं मैंने क्यों लिया था डायमंड एंड लेपिस लजुली तो मैंने वापस रखवा दिया। जहाँ तक गाइस मुझे पता है लेदर एंड बुक मेरे पास यहाँ पर किसी चेस्ट में पड़ा हुआ है। गाइस मैं कौन सी वाली चेस्ट में वो चेकआउट कर लेता हूँ। मुझे पता है गाइस वो नीचे वाली चेस्ट में मुझे मिलने वाला है। नीचे वाली चेस्ट को चेक करने के लिए, और ये नीचे वाली चेस्ट में से अगर मिल जाता तो बढ़िया है। आई थिंक मुझे पता है वहाँ तो है। तो यहाँ से मुझे 5 बुक्स मिल चुके हैं, पीछे भी एक चेस्ट पड़ा हुआ उसमें देख लेते। यहाँ से तो मुझे बुक नहीं मिला लेकिन मैंने कहा एक ऊपर वाली चेस्ट में एक बुक को देखा था, लेकिन किस चेस्ट में मैंने देखा था वो मुझे नहीं पता। अभी छोटी वाली चेस्ट में से मुझे यहाँ पे एक बुक मिल चुकी है। यहाँ पे टोटल मेरे पास यहाँ पे 6 बुक हो चुके हैं। गाइस मैंने यहाँ पे कुछ प्लैंक्स ले लिए हैं ताकि मैं यहाँ पे बुक सेल्फ को बना पाऊँ। मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही बुक सेल्फ को बना पाऊंगा अभी के लिए, तो यहाँ पे 2 बुक सेल्फ को क्राफ्ट कर लिया है। सामान तो मेरे पास आ चुका है लेकिन लेक्टन को बनाने के लिए मुझे यहाँ पे स्लैब भी चाहिए होंगे। यहाँ पे कुछ स्लैब्स को भी क्राफ्ट कर लिया है। क्राफ्ट करने के लिए जो भी आइटम चाहिए थे वो मेरे पास यहाँ पे आ चुके हैं। तो मैंने यहाँ से 2 लेक्टन को क्राफ्ट कर लिया है। जितने भी विलेजेस हमारे पास है वो सारे नीचे की फार्मिंग एरिया की तरफ ही घूमते रहते हैं। तो फटाफट से चलते हैं वहाँ फार्मिंग एरिया की तरफ। आप देख सकते हो लेफ्ट साइड में यहाँ पे ये डोगी वाला जो एरिया है यहीं पर मैं लगाने वाला हूँ ये 2 लेक्टन को। फिर मैं अपने जो लाइब्रेरी है उनको जॉब देने वाला हूँ। तो फटाफट से मैं 2 लेक्टन को यहाँ पर लगवा देता हूँ, पास में ही लगवाने वाला हूँ ताकि यहाँ पे उसको आने जाने में या फिर किसी को कोई दिक्कत ना हो, मेरे को भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ के इलेक्ट्रॉन के ऊपर यहाँ पे कुछ ग्रीन पार्टिकल्स आपको दिखाई दे रहे होंगे, मतलब यहाँ पे विलेज को जॉब मिल चुका है। यहाँ पे ऊपर देखेंगे तो वहाँ पे एक लाइब्रेरी आपको दिखाई दे रहा होगा, अभी मुझे उसको नीचे लाना पड़ेगा। आज मैं यहाँ पे लाइब्रेरी को नीचे लेकर आता हूँ वही इस जगह पर। देखोगे मुझे लाइब्रेरी की एक अचीवमेंट भी मिल चुकी है। एक लाइब्रेरी को तो मैं यहाँ पे लेकर आ चुका हूँ, अभी मुझे एक और लाइब्रेरी लाना पड़ेगा। पहला लाइब्रेरी हमें यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, नॉकबैक 2 का ट्रेड कर रहा है हमारे साथ। हमें चाहिए यहाँ पे लूटिंग 3 या लूटिंग 2। गाइस मुझे यहाँ पे कुछ बार बार इसको तोड़ना पड़ेगा इलेक्ट्रन को, और वापस में जब लगाऊंगा तब ये कुछ नया ट्रेड हमारे साथ करेगा। जैसे कि अभी यहाँ पे ये ट्रेड हमारे साथ किया करने वाला है, तो ये हमारे साथ ट्रेड करने वाला है फ्लेम 1 का।
तरह गाइस मुझे काफ़ी बार यहाँ पे कुछ ट्रे इस तरह के तोड़ना पड़ेगा, फिर से वापस लगाना पड़ेगा। फिर देर मैंने यहाँ पे ट्राई किया। उसके अलावा गाइस मैंने यहाँ पे एक न्यू लाइब्रेरी को भी लेकर आया था। मैंने यहाँ पे एक और बेड भी लगवा दिया था, लेकिन जब मैंने यहाँ पे उसके साथ ट्रेड कर रहा था तो ये बंदा मुझे दे रहा था अनब्रेकिंग 3। अब मैं यहाँ से लेक्टन को तोड़ देता तो मुझे ये अनब्रेकिंग 3 वापस मिलता या नहीं मिलता मुझे नहीं पता था। यहाँ पे गाइस मुझे अनब्रेकिंग 3 लेना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरे पास पहली ऐसी बुक थी जो मुझे काम की लगी। इसके लिए गाइस मुझे चाहिए होगा काफ़ी सारे बुक्स, जिससे मैं यहाँ पे करूँगा ट्रेड। उसको बनाने के लिए गाइस मुझे चाहिए होगी शुगर कैन, और बुक्स मेरे पास है ही नहीं अभी तो। अरे पेपर्स भी चाहिए होगे, वो भी मेरे पास यहाँ पे है, उसमें से कुछ भी नहीं है मेरे पास। मैंने यहाँ पे शुगर कैन अपनी फार्म में कुछ लगाया हुआ है, मुझे नहीं पता कि उसमें से कितने मुझे पेपर्स मिलने वाले हैं। वो भी होगा इसमें फटाफट से जितने भी शुगर कैन हैं सबको मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ और वापस से यहाँ पे रखवा देता हूँ, ताकि ये वापस से जल्दी से जल्दी ग्रो होना स्टार्ट हो जाए। जितना भी मुझे शुगर कैन मिला वो मैंने सारा यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। मिला के यहाँ पे मेरे पास 53 यहाँ पे शुगर कैन हुआ है। वैसे भी जितना शुगर कैन मुझे मिला उतने में कुछ ज़्यादा पेपर्स तो नहीं बनने वाले, लेकिन फिर भी जितना भी हो सकता है पेपर मैं फटाफट से बना लेता हूँ। वैसे भी क्राफ्ट टेबल यहीं पर है। सब कुछ मिला के यहाँ पे मेरे पास 51 पेपर्स मैंने बना लिए। अभी यहाँ पे मुझे बुक्स बनानी है काफ़ी सारी। बनाने के लिए मुझे यहाँ पे चाहिए है लेदर। जहाँ तक मुझे पता है कुछ लेदर्स मेरे चेस्ट में यहाँ पे पड़े हुए हैं। अभी लेदर्स मुझे मिलते हैं चेस्ट में, वो सब मैं यहाँ पे फटाफट से कलेक्ट कर लेता हूँ। सारी चेस्ट को चेक करने के बाद मुझे सिर्फ यहाँ से 5 ही लेदर मिल पाए हैं। 5 लेदर से मैं सिर्फ 5 ही बुक्स को बना पाऊँगा, तो फटाफट से मैं इन 5 बुक को बना लेता हूँ। 5 बुक को तो मैंने यहाँ पे क्राफ्ट कर लिया, तो अभी यहाँ पे चलते हैं फटाफट से लाइब्रेरी के पास, जहाँ से हम ट्रेडिंग करेंगे। तो यहाँ पे जा रहा हूँ ट्रेडिंग करने के लिए लाइब्रेरियन के पास। तो गाइस अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। अब ये भागने की फिरात में है क्या? तो यहाँ पे ही आ गया है अपनी जॉब के पास। मेरे पास 24 पेजेस थे, तो उससे मैंने यहाँ पे एक ही एम्ब्रेड मुझे मिला है। तो यहाँ पे 12 एम्ब्रेड और एक बुक चाहिए, लेकिन मेरे पास बुक तो है लेकिन 12 एम्ब्रेड नहीं है। पेजेस बनाने के लिए काफ़ी सारे शुगर कैन चाहिए होंगे, लेकिन वो मेरे पास अभी फिलहाल है नहीं अवेलेबल। एक ही काम करने वाला हूँ, अभी वापस ही मैं जाने वाला हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए। वहाँ पे जाने से पहले मैं यहाँ पे थोड़ा काम करने वाला हूँ। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ी पिकेक्स बनाने वाला हूँ अपनी आयरन की। अभी सामान मेरे पास पड़ा हुआ है, मैं सारा चेस्ट में रखवा देता हूँ, और जो भी है फटाफट से मैं पिकेक्स बना लेता हूँ। और हाँ गाइस एक और बात, जब मैं माइनिंग करके वापस आया था तब मैंने यहाँ पे वहाँ स्टोन लगा दिए थे अपने रास्ते पे। वापस से मुझे परमानेंटली वहाँ पे जाने के लिए मतलब बार बार जाना पड़ेगा मुझे वहाँ पे, तो उसके लिए मुझे काफ़ी सारे लेडर्स भी बनाने पड़ेंगे। लेकिन उससे पहले मैंने यहाँ पे क्राफ्टिंग टूल्स बना लिए। अभी मैं यहाँ पे काफ़ी सारे लेडर्स भी बना लिए हैं। बस मेरा सारा काम यहाँ पे हो चुका है, तो अभी फटाफट चलते हैं कुछ माइनिंग पर। सारे जितने भी डायमंड्स मुझे मिलते हैं वो मैं वापस से लाने वाला हूँ जो भी होता है। और गाइस मैं माइनिंग में डीप केव में जाने का ट्राई करने वाला हूँ, तो फटाफट से गाइस मैं मिलता हूँ आपको केव के अंदर। राइट गाइस, तो मैंने यहाँ पे केव में आने के बाद जो भी लेडर्स थे वो लगा दिए, और मुझे फाइनली यहाँ पे काफ़ी टाइम के बाद मुझे यहाँ पे एक डायमंड मिल चुका है, 2 डायमंड्स। तो इसी तरह से मुझे जितने भी डायमंड्स और जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो सारा मैं कलेक्ट कर लेता हूँ फटाफट। काफ़ी ट्राई करने के बाद मुझे यहाँ से सिर्फ 4 ही डायमंड मिला, जो मैंने यहाँ पे चेस्ट में रखवा दिया है। गाइस मैं वापस जाने वाला हूँ डायमंड माइनिंग करने के लिए, और देखते जो भी मिलता है सारा कलेक्ट कर लेता हूँ। जब मैं यहाँ पे गोल्ड माइनिंग कर रहा था तब मुझे यहाँ पे एक डीप केव दिखाई देती है, और ये जो वाली केव है ये काफ़ी गहरी केव मुझे लग रही थी। पे कुछ रेडस्टोन भी थे। गाइस मैं इस केव के अंदर जाने ही वाला हूँ, लेकिन उससे पहले गाइस मैंने यहाँ पे जो भी ये स्टोन थे ग्रेवल वो सारा मैंने फटाफट से यहाँ से हटा दिया। यहाँ पे काफ़ी अंधेरा था, कुछ दिख नहीं रहा था, मेरे पास यहाँ पे टॉर्च भी थी तो मैंने यहाँ पे टॉर्च को लगा दिया। तो फटाफट से मैं इस केव को पूरा एक्सप्लोर कर लेता हूँ, जो भी मिलता है सारा हम लूट लेंगे। तो फाइनली गाइस काफ़ी लड़ाई झगड़े करने के बाद मुझे यहाँ पे गोल्ड एंड काफ़ी सारे रेस्टोरेंट यहाँ पे दिखाई दे रहे, तो मैंने जो भी था सब कुछ निकाल लिया यहाँ से। पीछे मैं यहाँ पे आया था एक्सप्लोर करने के लिए, लेकिन मुझे यहाँ से विलेजर ज़ॉम्बीज दिखाई देते हैं। दोनों विलेजर ज़ॉम्बीज को तो मैंने यहाँ पे निपटा दिया था, लेकिन जब मैं वापस से यहाँ पे जा रहा था केव के अंदर तब मुझे यहाँ पे एक सामने से भी एक और विलेजर आ रहा था। तो इतने सारे ज़ॉम्बी विलेजर यहाँ पे आए कैसे हुए इस केव के अंदर? काफ़ी टाइम तक यहाँ पे केव को एक्सप्लोर करने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऐसी जगह दिखाई देती जहाँ पे सिर्फ लावा ही लावा था। यहाँ पे एक क्रीपर भी देख रहा था मुझे, मैंने यहाँ पे परफेक्टली देखा तो यहाँ पे एक वीच भी थी नीचे की तरफ, तो मुझे यहाँ पे देख ही लिया था, वो मेरे पास आ रहा था फटने के लिए। बस पानी की वजह से मैं वापस से बच गया था यहाँ पे। अब मैंने यहाँ पे ऊपर की तरफ देखा तो ये पानी कहाँ से पता नहीं कहाँ से आ रहा था, काफ़ी ऊपर से आ रहा था ये। मुझे लगता कि मैं काफ़ी डीप आ चुका हूँ इस केव के अंदर। क्रीपर मेरे पीछे ही पड़ गया था, आई थिंक इसने मुझे लॉक कर लिया था।
यहाँ पे नीचे जाने का सोच रहा था, लेकिन मेरे पास यहाँ पे जो टॉर्चेस थे वो सारी खत्म होने वाली थी। अभी यहाँ पे सिर्फ मेरे पास 4 ही टॉर्च बची थी। यहाँ पे एक खतरनाक चीज भी थी, वो है विच। गलती से भी उसने मुझे यहाँ पे देख लिया तो फिर खत्म समझो। जब मैं यहाँ पे रास्ते में आ रहा था तब मैंने यहाँ पे एक स्केलेटन को मारा था, वहां से मुझे एक बो मिली थी। मैंने यहाँ से ट्राई किया उस विच को मारने का। बस यहाँ पे सिर्फ 3 ही एरो थे तो वो भी यहाँ पे खत्म हो चुके थे अभी, और ये मकड़ी भी यहाँ पे मेरे पास आने का ट्राई कर रही थी। ये तीनों के तीनों मेरे को मारने की फिराद में थे। मेरे दिमाग में खुराफाती आइडिया आया, मैंने यहाँ पे ब्लास्ट करवा दिया। ब्लास्ट करवाते ही यहाँ पे जो मकड़ी थी उसको भी यहाँ पे काफ़ी डैमेज हो चुका था। मकड़ी मेरे पास ही यहाँ पे आने का ट्राई कर रही थी जब, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे उसको हीट किया, ये मकड़ी यहाँ पे नीचे पानी में बहकर नीचे चली गई उस विच के पास। विच थी वो भी मेरे साथ यहाँ पे एग्रेसिव हो चुकी थी, उसने मेरे को यहाँ पे स्पॉट कर लिया था। मैंने अपनी इन्वेंटरी ओपन की तो मुझे वहाँ से 3 टॉर्च मिली थी। अब मैंने यहाँ पे टॉर्च को यहाँ पे नीचे प्लेस करने का ट्राई किया, वो लग नहीं रही थी, कनेक्ट ही नहीं हो रही थी वो। मैंने सोचा कि यहाँ पे नीचे जाकर ही लगा देता हूँ। टॉर्च को तो मैंने यहाँ पे लगा दिया, लेकिन जब यहाँ पे आपको पता होगा जब यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था वो क्रीपर, तब यहाँ पे रेडस्टोन टूट गए थे। अब मैं रेडस्टोन को यहाँ पे कलेक्ट कर ही रहा था, और जब मैं यहाँ पे नीचे जाने का सोच रहा था तभी यहाँ पे पीछे से मेरे साथ यहाँ पे डैमेज होने लगता है। मैंने यहाँ पे पीछे देखा तो पीछे तो कोई था ही नहीं। अपने आसपास देखा तो यहाँ पे एक था छोटा ज़ॉम्बी। फिर मैंने यहाँ पे अपना जो शील्ड था उसे एक्टिवेट किया और इस छोटे ज़ॉम्बी को मार दिया जैसे तैसे करके। जैसे यहाँ पे चिमकांडी को मैंने मार दिया, वैसे यहाँ पे विच ने भी मेरे पे अटैक कर दिया। पॉइजन मेरे पे पॉइजन की बोतलें फेंक दी। अब मेरे पास यहाँ पे कोई भी चॉइस नहीं थी मरने के अलावा, और इस विच ने मेरा यहाँ पे द एंड कर दिया। आज मैं अपने घर पर यहाँ पे स्पॉन हो चुका हूँ। आज फटाफट से उसी लोकेशन पर, वरना ये जो हमारी आइटम थी वो हमारे बैकपैक में वो सारी शायद से गायब भी हो सकती है। अगर डायमंड गायब हो गए तो भाई ख़त्म। सो गाइज मैं मिलता हूँ आपको उसी लोकेशन पर फटाफट से। ओके गाइज तो मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन पर आ चुका हूँ, और यहाँ पे वो सारा सामान मुझे दिख चुका है। यहाँ पे ये ज़ॉम्बी उसने सारा पूरा हमारा आर्मर पहन लिया है, तो फटाफट से मैं उसे भी यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। वैसे भी काफ़ी टाइम लगने वाला है। तो फाइनली यहाँ पे 2 साल के बाद मैंने उसे मार दिया है। यहाँ पे जो था मेरा आर्मर वो भी मैंने यहाँ पे इक्वाइप कर लिया है अपने पास। फटाफट से मैं यहाँ पे जितने भी सामान मेरे यहाँ पे नीचे यहाँ पे गिरा हुआ है वो फटाफट से इस पर्चेस स्टोन को यहाँ से निकालना पड़ेगा पहले तो, और जो भी है यहाँ पे सारा कलेक्ट कर लेता हूँ। ये क्या है वो ग्रीन यहाँ पे, वो स्लाइम भी यहाँ पे पता नहीं कहाँ से आ गई है। बस यहाँ पे उस बीच का ध्यान रखना पड़ेगा, वरना पता नहीं वापस से यहाँ पे ये पूरा ख़त्म कर देगा, सारे आइटम गायब हो जाएंगे। न्यू रेसिपीज भी अनलॉक हो चुकी है मेरी। तो जो भी सामान मेरे यहाँ पे ड्रॉप हुआ था वो सारा मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया है। मैं यहाँ पे इस केव में दोबारा आ ही चुका हूँ, तो फटाफट से एक काम कर देगा, यहाँ पे सामने मुझे एक डायमंड दिख रहा है तो उसी के साथ यहाँ पे जो भी डायमंड्स मेरे आसपास मुझे मिलते हैं वो फटाफट से मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ। इससे पहले गाइस मैंने यहाँ पे कुछ वाटर डाला था वो भी मैंने यहाँ पे कलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ पे डायमंड जो भी है निकाल लेते हैं। ज़्यादा डायमंड्स तो मुझे नहीं मिले, लेकिन जो भी मिला वो मैंने ले लिया, और यहाँ पे कुछ मैंने रखा था जब मैं यहाँ पे आया था डायमंड्स, तो वो भी मैंने कलेक्ट कर लिए। तो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं अपने घर की तरफ। ओके गाइस तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ अपने घर की तरफ, लेकिन जो भी है उस सबसे पहले गाइस मैं जो भी सामान मुझे मिला है डायमंड्स वगैरह वो सब मैं यहाँ पे चेस्ट में रखवा देता हूँ। सबसे पहले तो सामान तो गाइस मैंने सारा इंपॉर्टेंट रखवा दिया अपने चेस्ट में, लेकिन गाइस ये वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है। सो गाइस आज का ये वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस। जो भी पार्ट पसंद आया हो आपको कमेंट में जरूर बता देना गाइस। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो में। ओके तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून एंड पीस आउट।